हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल मखनी। दाल मखनी हम सभी अपने घर में अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं और हम सबको ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आज मैं आपके साथ अपना स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइस, सबसे पहले मैंने ये माँ की दाल या उड़द की दाल या साबुत उड़द, जो भी आप इसे कहें, ये मैंने एक कटोरी ली है और इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था और अब मैंने इसका पानी जो ड्रेन आउट कर दिया है। इसे मैं कुकर में डाल रही हूँ और अब मैं इसे प्रेशर कुक करूँगी। और अब मैं इस दाल के साथ कुछ साबुत मसाले भी डाल रही हूँ। एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, 5 लौंग है और एक बड़ी इलायची है। इससे दाल में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और अब मैं इसमें 6 से 7 कटोरी पानी डाल दूंगी और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। इसे मैं 5 से 6 सीटी आने तक पका लूंगी। और यहाँ मैंने 6 बड़े टमाटर लिए हैं, इसे मैं ब्लांच करके इसकी स्किन रिमूव कर लूंगी। इससे बिल्कुल स्मूथ प्यूरे बनेगा। अगर आप चाहें तो रेडीमेड टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए इसकी स्किन इजीली रिमूव हो रही है। इसे मैं थोड़ा ठंडा करूंगी और उसके बाद इसे मिक्सर में एक स्मूथ प्यूरी बना लूंगी। अब एक कढ़ाई में मैं देसी घी ले रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। बटर और घी इसलिए एक साथ ऐड किया है ताकि बटर जले नहीं। और अब मैं यहाँ पर 2 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ हींग ऐड किया है। इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये प्यूरी बिल्कुल स्मूथ बनी है और इससे हमारी दाल का टेक्सचर भी बहुत ही स्मूथ और क्रीमी आएगा। अब मैं इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही यूज़ करें, इससे दाल मखनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे मैं कवर करके 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक कि इसका घी अलग नहीं हो जाए। और अब 8 से 10 मिनट बाद ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, इसने घी भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें, मेरी दाल भी कुक हो गई है, उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस दाल में मैंने पानी की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि अब इस दाल को मुझे कम से कम 1 घंटे तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। एक टेस्टी दाल मखनी बनाने की 2 ही ट्रिक हैं फ्रेंड्स, पेशेंस एंड बटर। पेशेंस के साथ जब आप अपनी दाल मखनी को अच्छे से काटते हैं, पकाते हैं, तो उसका टेक्स्चर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बनता है। और बटर उसके स्मूथनेस के अंदर जब अपना फ्लेवर देता है तब बनती है बिल्कुल परफेक्ट दाल मखनी। इसमें मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाला है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ खूब सारा बटर। बटर और घी की इस रेसिपी में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा फ्रेंड्स। आप इसमें खुले दिल से बटर और घी डालिए, तभी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर बॉयल आने दूंगी और उसके बाद फ्लेम को लो कर दूंगी और इसे करने दूंगी कम से कम 1 घंटे के लिए। बीच बीच में मैं इसे स्टर करती रहूंगी। और अब ये देखिए, ये आधे घंटे बाद ये थोड़ी सी थिक हो गई है, बट अभी भी दाल की ग्रेवी और दाल बिल्कुल मिक्स नहीं हुए हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। इसे मैं अभी और आधे घंटे के लिए पकाऊंगी।
और अब मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें 1/3 कप क्रीम ऐड की है, जो कि किसी वजह से मेरे कैमरे ने शूट नहीं किया। मैंने घर की बनी हुई ताज़ी मलाई ही यूज़ की है, उसे मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया था और अब मैं इसे आधा घंटा इसी तरह से और पकाऊंगी। एक घंटे बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए कोल्ड स्मोकिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी है और दाल के ऊपर जो आप ये मलाई जैसी परत देख रहे हैं, यही इंडिकेशन है कि आपको दाल को इस स्टेज तक कुक करना है कि इसके ऊपर ऐसी मलाई जैसी परत आ जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रिड्यूस होकर हाफ रह गई है। आप चाहें तो ये इस वक्त काफ़ी रेडी है, बट मैं थोड़ा सा और इसको थिक करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी थिक दाल पसंद है। और अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है, इसे मैं बस 5 मिनट तक थोड़ा सा थिक होने तक इसी तरह से पकाऊंगी। और अब ये फ्रेंड्स मेरी दाल बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है, ये अच्छे से स्मूथ हो चुकी है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी है, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब मैं इसमें कोल्ड स्मोकिंग करूंगी, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट आप इस मेथड को ट्राई कीजिए, आप अपनी दाल के टेस्ट में बहुत अच्छा डिफरेंस फील करेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए। और अब मैं अपनी दाल को धनिया पत्ती से गार्निश करूँगी और इसे सर्व करूँगी बटर नान के साथ। सो गाइस मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।